हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बी एस फर्स्ट ईयर की सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ दैट इज जीन इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं अनोन जीन और ये जो है इसका फर्स्ट पार्ट होगा क्योंकि जो जीन इंटरेक्शन है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं जो एक वीडियो के अंदर बता पाना पॉसिबल नहीं है तो मैंने उसे पार्ट्स में जो है आपके लिए डिस्कस किया है लेट्स वीगिन टू इस टॉपिक जीन इंटरेक्शन जैसे हिंदी में हम कहते थे अनोन्य जीन हमने मैंडल्स लॉ पढ़े मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड किया है मैंडल्स लॉ के बारे में जिसमें मैंडल ने अपने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो बताया था जो एफ टू जनरेशन में हम देखें वो आता है नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का टोटल जो सिक्सटीन हमारे पास जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनका जो हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उसका जो रेशियो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का था लेकिन जीन इंट्रैक्शन जो है हमें बताता है या रिप्रेजेंट करता है कि जो ये रेशियो है ज़रूरी नहीं है हर समय या हर बार ये रेशियो जो हमें मिले कभी कभी जीन इंट्रैक्शन होने की वजह से या लिंकेज जिसे कभी हम देखते हैं लिंकेज हो जाता है वो डिपेंड करता है जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम की किस पोजीशन पर हैं और जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहाँ पर कभी कभी जीन इंट्रैक्शन हो जाने की वजह से जो ये रेशियो है नॉर्मल रेशियो उसके अंदर कुछ चेंजेज़ आ जाते हैं तो वो जो चेंजेस हैं वो किस तरह का इम्पेक्ट डालते हैं यहाँ हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जीन इंट्रैक्शन हैं उनके बारे में यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा जो मंडल का व्यू है उसके बारे में देख लेते हैं उसके बाद जो है हम इन वन बाई वन जो है इनको डिस्कस करेंगे According to Mendel, each character is determined by a single gene. That is, जब भी जो एक character है जैसे हमने देखा dwarfism है या tallness है या color है जो भी है वो एक single gene के द्वारा represent किया जाता है Gene it may be dominant or recessive. यदि recessive होती है तो वो अपने आप को express नहीं कर पाती और यदि वो डोमेंट dominant होती है तो वह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है बट समटाइम्स इट इज़ हाउ एवर नॉट नेसेसरी दैट सिंगल करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई वन जीन ओनली इन स्टेट इट मे बी कंट्रोल्ड बाई मोर देन वन जीन जो कि जीन इंट्रैक्शन की वजह से ही होता है मैंने जैसे आपको बताया कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज जो एक्सचेंज ऑफ प्रोमोजोम जो होता है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो होता है उस टाइम पे जो है कभी कभी जीन्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर जाती हैं तो उसकी वजह से जो रेशियो है या जो करैक्टर्स हैं वो सिंगल करेक्टर मोर देन वन जीन द्वारा रेगुलेट हो जाते हैं वेरियस जीन्स लोकेटेड ऑन डिफरेंट टोमोजोम पेयर इंटरेक्ट टू सेवरल वेज जैसा कि मैं अब मैं आगे डिस्कस करूँगी तो वो अलग अलग तरीके से जो है वो इंटरेक्ट करती हैं एज यूनिट बट मैनी जीन इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स मैनर टू प्रोड्यूस द ट्रेड तो जो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो जीन्स हैं वो किस तरह से ट्रेट को या करैक्टर को किस तरह से इन चेंज कर रही हैं उसके अंदर क्या उनके इम्पैक्ट आ रहे हैं दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन मॉडिफाइड द मैंडलियन रेशियो जो कि मैंने आपको बताया था कि जो मेंडेलियन रेशियो होता है वो हमारा होता है नाइन इज़ टू थ्री इज टू थ्री इज़ टू वन तो वो इस रेशियो को जो है मॉडिफाई करते हैं तो उस सीरीज़ में उस क्रम में जो हमारा फर्स्ट टाइप है दैट इज सप्लीमेंट्री फैक्टर सप्लीमेंट्री फैक्टर के अंदर मैंने यही मेंशन किया है जो हमारा रेशियो नाइन इज टू थ्री टू थ्री इज टू वन था वो नाइन इज टू थ्री इज टू फोर हो गया अब इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स इसको एक्सप्लेन करूँगी टू पेयर ऑफ जीन्स इंटरेक्ट इन सच एज दैट वन डोमिनेंट विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट नो मैटर द अदर इज प्रजेंट और नॉट वेयर सेकेंड कैन प्रोड्यूस ओनली इट्स करेक्टर इन द प्रजेंस ऑफ फर्स्ट मीन्स तो ये जो सप्लीमेंट्री फैक्टर है इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करूँगी और एग्जाम्पल के लिए लिया है कोट कलर ऑफ ग्यूनापिक मीन्स ग्यूनापिक के जो स्किन है उसके कलर के अंदर हमें किस तरह के चेंजेस दिखाई देते हैं तो यहाँ थ्री डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हमें दिखाई देते हैं एक में दोनों कैपिटल ए दोनों कैपिटल सी दैट इज कलर इज एगाउटी कैपिटल ए स्मॉल सी एलवाइनो और स्मॉल ए कैपिटल सी ब्लैक यानी एगाउटी कलर के लिए है दोनों ही कैपिटल फॉर्म में होना कंपलसरी है तभी जो है एगाउटी कलर अपियर होगा दूसर कलर जिसे हिंदी में बोला जाता है तो यहाँ पर इसीलिए इन दोनों तो यहाँ पर जो मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है कि टू पेयर ऑफ जीन्स इंटरेक्ट इन सच ए वे वन डोमिनेंट विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट नो मैटर द अदर इज प्रेजेंट और नॉट इन ब्लैक के केस में ये आप डेफिनेशन आपको क्लियर होती है बट वेयर ए सेकेंड कैन प्रोड्यूस ओनली इट्स करेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट तो जो ये दोनों जब कैपिटल फॉर्म में होंगे मतलब ये जो है अगावटी कलर तभी अपियर होगा जब सेकेंड भी जो है डोमिनेंट फर्स्ट भी जो है वो डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर मैंने जो फीमेल ली है वो ब्लैक कलर की ली है मेल जो है वो एल्वाइनो। और दोनों के कॉम्बिनेशन से जो, दोनों के जो हमें गैमीट्स मिलते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन हमारे पास F1 वन जनरेशन की फॉर्म में आएगा वो हमें एगाउटी कलर मिलेगा क्योंकि एगाउटी के लिए आप देख रहे हैं कि कैपिटल ए कैपिटल सी तो कैपिटल ए और कैपिटल सी दोनों हमारे पास हैं अब इनके जब हम गेमिट्स फॉर्म करेंगे तो फोर डिफरेंट गेमिट्स जो हैं कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल सी फोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन जैसे कि हम मंडल्स लॉ में देखते आ रहे हैं वो हमें फ़ोर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमें मिल जाएंगे इन्हीं कॉम्बिनेशन का हमने जो पनेट चार्ट है वो फॉर्म किया है एफ टू जनरेशन के लिए तो वो चारों जो कॉम्बिनेशन है वो मैंने यहाँ पर फीमेल और यहाँ पर मेल की फॉर्म में यहाँ पर मेंशन किए हैं अब मैंने यहाँ पर जो कॉम्बिनेशनस तैयार किए हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने मेंडल्स के जो लॉ पढ़े हैं उसके अंदर जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस जो देखते हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन बिल्कुल एज़ इट इज़ वही कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर बनाए हैं दोनों कैपिटल ए दोनों कैपिटल सी आ गए कैपिटल दोनों कैपिटल ए एक कैपिटल सी स्मॉल सी फिर कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों कैपिटल सी फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल कैपिटल सी स्मॉल सी हम हमेशा जब भी कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो दो सेम जीन चाहे वो डोमिनेंट हैं चाहे रिसेसिव है जैसे मैंने ए कलर ए लिखा है तो कैपिटल ए स्मॉल ए यदि आ रहा है तो दोनों को एक साथ लिखेंगे ऐसा नहीं करेंगे कैपिटल ए और कैपिटल सी एक साथ लिख दिया और स्मॉल ए स्मॉल सी एक साथ लिख दिया ए एक तरफ लिखना पड़ेगा और सी जो है वो एक साइड लिखना पड़ेगा इसीलिए यहाँ पर जब मैंने कैपिटल ए फिर इसका स्मॉल ए आ गया फिर कैपिटल सी और इसका स्मॉल सी और कैपिटल को जो है हमेशा पहले लिखा जाता है स्मॉल लेटर जो है जो कि रिसेसिव को रिप्रेजेंट करता है उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन बनाए तो यहाँ पर भी दोनों कैपिटल ए और ये कैपिटल सी आ गया स्मॉल सी फिर यहाँ पर दोनों कैपिटल ए और दोनों स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों स्मॉल सी फिर कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों कैपिटल सी फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी फिर यहाँ पर दोनों स्मॉल ए और दोनों कैपिटल सी आगे फिर यहाँ पर दोनों स्मॉल ए एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी यहाँ पर हम देखें तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी फिर कैपिटल ए स्मॉल ए और दोनों स्मॉल सी फिर यहाँ पर दोनों स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी और यहाँ पर चारों ही जो हैं वो स्मॉल सी होंगे अब हमने क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया है कि एगावटी कलर का बेपियर होगा एल्बाइनो कलर कब है और ब्लैक कलर कब है तो हम यहाँ कॉम्बिनेशन चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पर मार्किंग की हुई है क्योंकि जब हमारे पास कैपिटल ए और कैपिटल सी है तो एगावटी कलर होगा और मैंने इसीलिए यहाँ पर एगावटी कलर को ग्रीन कलर से मेंशन किया है जिससे कि जो आपको मार्किंग है वो क्लियर पता चल जाए तो जितने भी मैंने ग्रीन कलर से यहाँ क्रॉस लगाए हैं सभी में आप देख सकते हैं कैपिटल ए और कैपिटल सी अवेलेबल है कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन हमारे जो होंगे वो होंगे एगाउटी कॉम्बिनेशन के दैट इज नाइन फिर उसके बाद बात करें जो हमारे एल्विनो होंगे तो तो एल्विनो की बात करें तो एल्विनो के लिए जो है वाइट कलर होता है तो कैपिटल ए कंपलसरी है और स्मॉल सी तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए लेकिन यहाँ भी जो है वो एल्विनो ही होगा क्योंकि स्मॉल सी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो रिसेसिव जीन है तो अल्टीमेटली जो है ये भी जो है वो एल्विनो होगा तो एल्विनो जो होंगे वो हमारे पास फोर होंगे एल्विनो का जो कॉम्बिनेशन में हम देखें नंबर जो है वो फोर होगा अब बात करते हैं ब्लैक की तो कैपिटल सी होना चाहिए ब्लैक के लिए तो यहाँ भी कैपिटल सी है यहाँ कैपिटल सी है यहाँ तो थ्री जो हैं वो हमारे ब्लैक होंगे स्मॉल ए के साथ तो यहाँ पर मैंने हेयर एक्स ग्रीन कलर से जो है वो एगावटी कॉम्बिनेशन है रेड कलर से वो एल्विनो कॉम्बिनेशन है और जो ब्लू कलर से है वो ब्लैक कॉम्बिनेशन को सो फिनोटाइप इज़ नाइन इज टू थ्री इज टू फोर तो मैंने यहाँ एगाउटी हो गए हमारे थ्री जो हैं वो हमारे ब्लैक हो गए और फोर जो हैं वो हमारे एल्बिन हो गए तो जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा हमारा इसका नाइन इंस टू थ्री इज टू फोर होगा एज़ कंपेयर टू दी नाइन इंजू थ्री इज टू थ्री इज टू वन तो ये हमारा कहलाता है सप्लीमेंट्री फैक्टर नाउ सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन जिसके अंदर रेशियो होता है नाइन इज टू सेवन वेन टू और मोर डोमिनेंट जीन्स प्रजेंट ऑन सेपरेट जीन्स लुकाई मीन्स जो टू डोमिनेंट जीन्स हैं या दो से ज़्यादा जो डोमिनेट जीन्स हैं प्रभावी जीन है वो अलग अलग जीन लुकाई पर प्रजेंट है उनकी जो लोकस है स्थल हैं जो डी एन ए के ऊपर या क्रोमोजोम के ऊपर वो सेपरेट हैं विच एंट्रैक्ट टू तो प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर फिनोटिपिक ट्रेट लेकिन जब वो इंटरेक्ट कर जाते हैं तो डिफरेंट जो है एक फिनोटिपिक ट्रेट को या लक्षण को जो लक्षण प्रारूप है उसको प्रदर्शित तो करते हैं बट नाइदर ऑफ देम प्रोड्यूस द फिनोट्रिप्रिक इन दी एब्सेंस ऑफ लेकिन उनमें से कोई भी दोनों में से एक भी यदि उनमें से जो दो जीन है दो डिफरेंट जीन है उनमें से एक भी यदि एबसेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती जो फर्स्ट है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल लिया है मैंने फ्लावर कलर ऑफ लेथायरस ओडोरेटस जो कि एक पी प्लांट होता है उसके जो फ्लावर का कलर है उसके लिए है और उसका जूलॉजिकल नेम है उसका बॉटनिकल नेम है लेथायरस ओडोरेटस पर्पल एंड वाइट फ्लावर प्रेजेंट ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंथोसाइनिन इसके अंदर पर्पल कलर और वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं लेकिन पर्पल फ्लावर्स जब प्रेजेंट होते हैं जब उसके अंदर एंथोसाइनिन प्रेजेंट हो और एंथोसाइनिन जो प्रोड्यूस होता है वो केवल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज़ क्रोमोजन तो क्रोमोजन जब प्रोड्यूस होगा तभी जो है या क्रोमोजन एंजाइम जो है एक्ट करेगा तभी जो है एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा और जब एंथोसाइनिन प्रोड्यूस होगा तो जो है पर्पल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ पर मैंने जो कैपिटल सी है वो क्रोमोजन प्रोडक्शन के लिए है पर्पल कलर आएगा स्मॉल सी क्रोमोजन नॉट प्रोड्यूस यदि क्रोमोजन प्रोड्यूस नहीं होता है तो स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए जो कि एंजाइम एक्टिवेटर है या एंजाइम या एक्टिवेटर है जो कि क्रोमोजन है और स्मॉल ए नॉन एक्टिवेटर तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस बनाए हैं मैंने यहाँ पर जो लिया है मीन्स हमारे पास क्रोमोज़न और नॉन एक्टिवेटर और यहाँ नॉन या यह वाइट फ्लावर विद एक्टिवेटर वाइट फ्लावर विद एक्टिवेटर और यहाँ जो है एक्टिवेटर है एक्टिवेटर हमारा क्या है क्रोमोजन है तो क्रोमोजन होने की वजह से जो है वो उसके अंदर एंथोसाइनिन प्रोड्यूस हो सकता है तो यहाँ पर हमने जब इनके गेमिट्स प्रोड्यूस किए तो हमें जो गेमिट्स मिलेंगे वो ये कॉम्बिनेशन होगा कैपिटल सी स्मॉल ए और स्मॉल सी कैपिटल ए और इन चारों का जो है वन जनरेशन के अंदर कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज़ पर्पल कलर क्योंकि यहाँ एक्टिवेटर भी प्रेजेंट है और एक्टिवेटर प्रेजेंट है तो जो फ्लावर है उसका कलर पर्पल हो जाएगा तो वो पर्पल फ्लावर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा अब इसकी जो गैमिट्स बनेंगे वो डिफ़रेंट फोर कॉम्बिनेशंस जो हैं कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल ए और स्मॉल सी स्मॉल ए की कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेंगी गैमिट्स अब इन गेमिट्स का जो हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस आएँगे वो हम मैंने इस पनेट चार्ट के द्वारा जो है शो किए हैं तो ये फीमेल और ये मेल जिस तरह से हमेशा हम मैंडस ने जो डाई हैबरेट क्रॉस करके बताया था उसके बारे में बताया है उसी तरह से मैंने यहाँ पर इसको फिर से प्रेजेंट किया है तो सेम उसी तरह से कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल सी दोनों आ गए फिर कैपिटल ए स्मॉल ए फिर कैपिटल सी स्मॉल सी दोनों कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए इन दोनों का फिर देखें दोनों कैपिटल सी आ गए यहाँ पर कैपिटल ए है स्मॉल ए फिर कैपिटल सी दोनों और दोनों स्मॉल ए फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए फिर कैपिटल सी स्मॉल सी और दोनों स्मॉल ए स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी फिर दोनों कैपिटल ए हो जाएंगे फिर कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल सी और दोनों कैपिटल ए फिर यहाँ पर दोनों स्मॉल सी और एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए यहाँ पर होगा हमारे पास कॉम्बिनेशन कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल ए दोनों स्मॉल सी और दोनों स्मॉल ए सॉरी दोनों स्मॉल सी कैपिटल ए स्मॉल ए और फिर यहाँ चारों ही जो है वो स्मॉल में होंगे अब कितने हमारे पास पर्पल होंगे कितने वाइट होंगे वो हम कैसे देखेंगे क्योंकि हमने कहा है केबल जब एक्टिवेटर प्रेजेंट होगा तभी पर्पल कलर जो है वो अपीयर होगा एक्टिवेटर, हो एक्टिवेटर हमारा वाला क्रोमोज़न एंजाइम्स तो हम यहाँ पर ये देखें कि कैपिटल सी के साथ कितने कैपिटल ए प्रेजेंट हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सेवन ऐट नाइन नाइन ऐसे हैं जिनके अंदर कैपिटल सी और कैपिटल ए दोनों ही प्रेजेंट हैं तो नाइन तो हमारे हो जाएंगे पर्पल रिमेनिंग क्योंकि एक्टिवेटर जो है वो नॉन एक्टिवेटर प्रेजेंट है वहाँ पर या एंजाइम प्रेजेंट है तो हमारे पास जो है क्रोमोज़ोन प्रेजेंट नहीं है तो क्रोमोजोन प्रेजेंट नहीं है एक्टिवेटर है क्रोमोज़ोन नॉट प्रोड्यूस क्रोमोजन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो सारे हमारे जो हैं वो वाइट होंगे तो ये भी हमारा वाइट है ये वाइट होगा क्योंकि यहाँ भी हमारे पास क्या है क्रोमोजन प्रोडक्शन तो हो रहा है बट एक्टिवेटर नहीं है यहाँ क्रोमोजन प्रोडक्शन क्रोमोजन प्रोडक्शन है बट एक्टिवेटर नहीं है यहाँ हमारे पास सेम क्रोमोजन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है यहाँ क्रोमोजन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है यहाँ हमारे पास क्रोमोजन प्रोडक्शन लेकिन एक्टिवेटर नहीं है क्रोमोजन प्रोडक्शन नहीं है यहाँ भी यहाँ भी क्रोमोजन प्रोडक्शन नहीं है तो क्रोमोजन प्रोडक्शन नहीं है और यहाँ तो दोनों ही चीज़ नहीं है तो रिमेनिंग सेवन जो है वो हमारे वाइट होंगे तो मैंने जो ब्लू है वो नाइन है पर्पल नाइन और वाइट जो है वो सेवन तो रेशियो हमारा फिनोटिपिक रेशियो होगा वो नाइन इंस टू सेवन का होगा तो इस तरह से जो हम देखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है वो अपना जो रेशियो है जो नाइन टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन का रेशियो था मैंडल्स का उसको इस तरह से जीन इंट्रैक्शन के थ्रू मॉडिफाई कर देता है तो आई थिंक आप लोगों को दोनों सप्लीमेंट्री फैक्टर और कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन करें थैंक यू सो मच